भारत बंद के दौरान सीधी में जमकर हुआ विवाद, गंभीर रूप से घायल दो लोगों को इलाज के लिए किया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। आरक्षण हटाओ देश बचाओ को लेकर मंगलवार को भारत बंद का असर रीवा में तो नहीं दिखा, लेकिन सीधी में जमकर बवाल मचा। आंदोलनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में काफी लोग घायल हो गए, जिसमें वकीलों के साथ साथ रायगीर भी शामिल है। भारत बंद के दौरान आंदोलनकारी जहां बाजार बंद कराने में जुट गए, वहीं आधा सैकड़ा युवा कलेक्ट्रेट चौराहे में जुलूस निकालने में लगे हुए थे, जबकि पुलिस प्रशासन आंदोलनकारियों पर ज्ञापन देने का दबाव डाल रहे थे। जब वो नहीं माने तो आंसू गैस छोड़े गए, उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया, जिससे बचने के लिए लोग न्यायालय और आसपास के इलाकों में घुस गए, जहां पर पुलिस ने उपद्रवियों के धोखे में वकीलों और आम आदमियों पर भी लाठियां बरसा दी, जिसमें काफी लोग घायल हो गए, जिनमें से दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने चेंबर में जा रहा था, अधिवक्ता हाल बड़ा अधिवक्ता में बैठता हूँ, उसी समय बाहर कलेक्ट्रेट रोड पर शायद पुलिस वाले और आम जनता ये आंदोलन में रहे होंगे, ऐसा मैंने लोगों ने बताया। फिर वहाँ से पुलिस वालों ने मारना शुरू कर दिया आम जनता को, चारों तरफ से पुलिस घेरे हुए थे, वही न्यायालय का गेट खुला हुआ था, आम जनता उसी गेट से न्यायालय के अंदर भाग भाग कर वकीलों के चेंबरों में यहाँ वहाँ घुसना शुरू कर दिया। उसी बीच में पुलिस दौड़ते हुए आई और आकर मैं जैसे सीजन साहब के से बाहर निकला, उसी समय अनिल उपाध्याय टीआई, प्रदीप शेंडे एडिशनल एसपी एवं आरपी त्रिपाठी थानेदार, इन्हों और दलबल सहित कई सिपाही दौड़े, जिसमें टीआई ने स्वतः मुझे लाठी मारा, जिससे मेरे कान में चोट आई, अभी भी खून बंद बहना बंद नहीं हुआ। आरपी त्रिपाठी ने मारा, फिर कई सिपाहियों ने, एक साथ है कम से कम 6-7 सिपाही ने लाठियां चारों तरफ से मारना शुरू कर दिया, मैं गिर गया। मुझे विपुल तिवारी ने फीस के रूप में जैसे पैसे दिया, मेरे पर्स में 12-13 हज़ार रुपये पहले से थे, 500 रुपये उन्होंने दिया, मैं पर्स निकाल के जैसे उसमें डालने लगा, मेरा पर्स फेंका गया, मोबाइल भी मेरी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त टूट गई, उन लोगों ने मारने लिए, मेरा सब बंद हो गया, किसी से बात करना मोबाइल भी बंद हो गई है, और बेरामी से मुझे पीट पीट कर वहीं पर गिरा दिया। मैं अनिल टीआई उपाध्याय जी से निवेदन करते रह गया, पैर छूते रह गया, मैं अधिवक्ता हूँ मुझे मत मारिए, मैं न्यायालय के बाहर भी नहीं गया हूँ, न्यायालय परिसर के अंदर हूँ। तो उन्होंने मुझे मारा, कुछ अधिवक्ताओं ने जब मुझे देखा कि नंदलाल पांडे अधिवक्ता को मार कर गिरा दिए हैं, तो दौड़ गए छुड़ाने के लिए, उन्हें भी बेरामी से लाठी से मारना शुरू किया, किसी का सिर फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के मुंह में बजा, किसी के पैर में बजा, इसी तरह से कई अधिवक्ताओं को, 22-23 अधिवक्ताओं को भी पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा। मैं सीधी में कलेक्ट्रेट परिसर के बगल से निकल के सम्राट चौराहे पे जा रहा था, वहाँ पर ट्रेवल्स का काम है, गाड़ी बुकिंग में चलती है, वहाँ पे जा रहा था। जैसे ही कलेक्ट्रेट के पीछे वो साइड से निकल रहा था, उसी समय अधिवक्ताओं पर हमला हुआ कोर्ट परिसर के अंदर, और उस समय इनके ऊपर इतनी तेज़ी के साथ लाठीचार्ज हुआ कि सभी अधिवक्ता अफरा तफरी में भागने लगे, और जब वो भागने लगे और उनके ऊपर मतलब बेरहमी के साथ पुलिस, प्रदीप शेंडे, अनिल उपाध्याय, टीआई, आरपी त्रिपाठी के निर्देश पर ये हुआ, और कलेक्टर स्वयं वहाँ मौजूद थे। मैं बाइक से जैसे निकल रहा था, बाइक धीमी किया भीड़ को देखते हुए, तो वहाँ पर 4-6 पुलिस वाले मतलब चलती हुई बाइक पर हमला किया, फिर मैंने इस हाथ से ऐसे रोकने का प्रयास किया तो यहीं पर मारे, ये हाथ मेरा फट गया है 3-4 जगह से, फिर जो है तो बाइक से गिर गया, उसके बाद पीछे से सामने से मतलब पूरे शरीर पे ऊपर से लेके नीचे तक मारे। फिर मैं जब कलेक्टर साहब से बोला कि सर आपके सामने इस तरफ किया जा रहा है, तो कलेक्टर साहब बोले चलो चलो कोई बात नहीं, चलो चलो हो गए, उधर चलो उधर चलो, मतलब उसमें भी कोई सहयोग नहीं किए। फिर आम जनता के द्वारा वहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ एडमिट किया गया, फिर उसके बाद वो जो है तो सभी लोग वहाँ पहुँचे।